चुनाव में किस तरह से जनता में विद्वेष पड़ गए, हिंदू मुस्लिमों में विद्वेष पैदा करके, चित्रोदा जी हो चाहे मणिशंकर अय्यर जी का बयान हो, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि जो व्यक्ति अधिकृत नहीं है उनको इस तरह से बयान, कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से दिल्ली में बैठी है, क्यों जनगणना नहीं करा रहे? ये आंकड़े जो उन्होंने जो परिषद का जो प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद का दिया जा रहा है, इसको प्रमाणिक तौर पे उसको स्वीकार करने योग्य नहीं है। चुनाव के समय कुछ नेताओं के बयान अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह के कुछ बयान आए थे, पहले सैम पित्रोदा ने नस्ली मामलों में एक बयान दिया जिसके कारण उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, और अब मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उसका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस इस तरह के बयानों को के बारे में क्या कहती है और क्या इससे नुकसान होता है और इस पर किस तरह से रोक लगाई जानी चाहिए ताकि चुनाव के समय पार्टी को नुकसान हो, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता धनंजय साहू जी यहाँ मौजूद हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वार पलटवार भी होता है, मगर कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है। पहले सैम पित्रोदा का बयान आया, मणिशंकर अय्यर का जो बयान है, कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं पार्टी को? निश्चित तौर पर इस तरह से जो अनधिकृत बयान, जो अनधिकृत लोगों के द्वारा आए जाते हैं, इससे पार्टी को नुकसान होता है। और पार्टी ने हमारे हर स्तर पर, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हो, विधिवत प्रवक्ता की एक टीम बनाई जाती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी, जिला कांग्रेस कमेटी में भी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी हमारे अधिकृत तौर पर सभी प्रवक्ता होते हैं। या तो बहुत बड़े हमारे जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं वो बयान देते हैं, या फिर प्रवक्ता के माध्यम से हमारी पार्टी की जो नीति है या उस पर जो अधिकृत बयान है वो आते हैं। ये जो लोग अधिकृत नहीं हैं वो लोग इस तरह से बयान देते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो कांग्रेस के, ठीक है, वो एक अपने एक सदस्य की हैसियत से व्यक्तिगत विचार रखने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन ये जो विचार है ये पार्टी के विचार नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। पार्टी के विचार तो हमारे जो है अधिकृत तौर पर जो बयान जारी किए जाते हैं पार्टी के द्वारा वो अधिकृत बयान होता है। तो ये चाहे आपके पित्रोदा जी हों, चाहे मणिशंकर अय्यर जी का बयान हो, ये बयान उनका व्यक्तिगत हो सकता है, इसे पार्टी सहमत नहीं। पार्टी हाईकमान इस तरह के बयान पर रोक लगाने के लिए कोई दिशा निर्देश आप लोगों को देती नहीं कि सोच समझ के बयान देना चाहिए, या कोई कड़ा एक्शन ऐसे इन लोगों के ऐसे बयानों के खिलाफ लेना चाहिए ताकि इस तरह की जो परंपरा है वो बंद हो जाए और चुनाव के समय खासकर आप लोगों को नुकसान ना हो? नहीं, दोनों चीजें हैं। पार्टी की तो गाइडलाइन है ही है कि जो व्यक्ति अधिकृत नहीं है उनको इस तरह से बयान, कोई भी बयान नहीं देना चाहिए, और जो नुकसान होता है उसके लिए कार्रवाई भी की जाती है। इस तरह से अनेक प्रकरण पूर्व में भी हुए हैं। अच्छा, एक चौंकाने वाला सर्वे हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा, कार्यालय द्वारा एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें यह बात सामने आई कि पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है बनिस्बत दूसरे अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है। कितना इस सर्वे को आप उचित मानते हैं और क्या कहना है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, चुनाव में किस तरह से जनता में विद्वेष पड़ के, हिंदू मुस्लिमों में विद्वेष पैदा करके कैसे उसको वोट के रूप में उसको फायदा उठाएं, ये सिर्फ एक षड्यंत्र है। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी ये आंकड़े जारी किए हैं, ये क्या देश में जनगणना किया जा चुका है? हर 10 साल में हमारे इस देश में जनगणना और आर्थिक जनगणना दोनों कराई जाती है। 2021 में जनगणना ड्यू है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से दिल्ली में बैठी है, क्यों जनगणना नहीं करा रहे? और यदि जनगणना नहीं कराया गया है तो अपने आप में साबित है, तो फिर ये आंकड़े कहाँ से आए? ये आंकड़े जो उन्होंने जो परिषद का जो प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद का दिया जा रहा है, ये इसको ऑथेंटिक, इसको प्रमाणिक तौर पे उसको स्वीकार करने योग्य नहीं है। जब हमारा अधिकृत जनगणना हो तभी इस आंकड़े को स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरह से आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं, गरीबी रेखा का सर्वे होती है। इस देश में जब भी कहीं हम गरीबों के लिए, असहायों के लिए, पीड़ितों के लिए, हम लोग विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए योजना बनाते हैं, तो हमारा 2002 का गरीबी रेखा अभी तक चल रहा है, 22 साल हो गए, 22 साल में गरीब अमीर हो गया, अमीर गरीब हो गए, जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक गरीबी रेखा का सर्वे 10 साल से इनकी सरकार बैठी है, क्यों नहीं करवा रहे सर्वे जिससे आज हमारे गरीब लोगों का कल्याण हो,
उनको फायदा मिले। आज लोगों को निराश्रित के लिए भटक रहे हैं, पेंशन के लिए भटक रहे हैं, आज उनको परिवार को सहायता के लिए भटक रहे हैं, उनको सहायता नहीं मिल पाती। अच्छा, एक चीज और देखा जा रहा है कि अभी उड़ीसा में जो चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के नेता जा रहे हैं, विष्णुदेव साय गए, अरुण साह हो गए, किरण सिंहदेव गए, तमाम लोग जा रहे हैं, और उनका कहना है कि मोदी की गारंटी जो है उसको लेकर और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में जो फायदे हो रहे हैं उसको देखते हुए वहाँ की जनता का मन बदला हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और छत्तीसगढ़ में जो साय साय काम हो रहे हैं उसके बारे में भी वो जाके वहाँ बता रहे हैं, तो क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण विशेषकर चुनाव के अवसरों में बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं जनता को, ताकि लोग उनके झूठे बयानों में आ जाए, भ्रम में पड़े और उनको साथ दे। आज लाया ना उनमें साहस है तो उड़ीसा से लोगों को लाए जो बयान दे रहे हैं, उनको यहाँ दिखावें कि क्या विकास हो रहा है। आज डबल इंजन की बात करते हैं लोग, डबल इंजन ने और ज़्यादा नुकसान किया है। एक तो केंद्र की कोई योजनाएं न पहले आ रही थी जब तक हमारी कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, और न ही उनकी सरकार बनने के बाद में एक भी योजना, एक भी कोई कार्य बता दे, कोई बड़ा काम बता दे कि ये केंद्र सरकार के द्वारा अभी इन चार महीनों में किया गया है। सारे विकास कार्य चौपट हो गए हैं, सब जगह फंड देना, अलॉटमेंट देना बंद कर दिया है, इनके खजाना खाली हो चुका है इनकी घोषणाओं की योजनाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन हमारा जो मौलिक कार्य है, जितने वर्क्स डिपार्टमेंट है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पीएचई हो, सारे डिपार्टमेंट में काम बंद हो गए हैं, और तो और पंचायत तक के कामों को, स्वीकृत काम को जिसका वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है, ऐसे कामों को भी सब बंद कर दिया गया है। ये जो है डबल इंजन है, ये साय साय की सरकार है कि चार महीने में साय साय क्या पूरा सन्नाटा है, कोई विकास कार्य आज यहाँ नहीं हो रहे है। चलिए, ये थे धनंजय साहू, विभिन्न मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, मगर उन्होंने एक बात स्वीकार किया है कि चुनाव के समय जो बयान आते हैं, बेतुके बयान आते हैं, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को फर्क पड़ता है, हर पार्टी को फर्क पड़ता है, और इस पर कांग्रेस का एक ये भी जारी किया गया, गाइडलाइन भी जारी की गई है, और अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ नुकसान हो रहा है। इसी तरह जो एक सर्वेक्षण में बात आई सामने में कि हिंदू की संख्या कम हो रही, तो उन्होंने कहा कि ये आंकड़े टोटल फर्जी हैं, जब तक जनगणना नहीं हो रही है तो उस तरह के आंकड़े जो भी सामने आ रहे हैं उसको भी एक चुनावी स्टंट इन्होंने माना है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।